दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैथमेटिक्स यानी गणित विषय के मस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल है और इसको आप लोग जो है एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन कर लेना है। साथ ही इस वीडियो में आपको सोल्यूशन के साथ मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए एक प्यारा सा कॉमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। चले बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देखें तो यहां पे वास्तविक संख्या का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे 156 लिखेंगे, उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं तो 78 दूनी 156, फिर 2 से करते हैं 39 दूनी 78, फिर 3 से करते हैं तो 13 तिया 39, ठीक है। इसको गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 आता है। तो अब यह देखना है कि यह जो है किस ऑप्शन में है। तो बच्चों यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी में यह जो है दिया गया है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से जो है क्लियर कर लेंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों कोई भी संख्या दिया रहे और उसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहता है या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए कहता है तो आप इसी विधि से जो है आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है जहां, तो अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर रहे तब क्या होगा, जीरो जो होगा आर से जो है वो छोटी होगी और बी जो है वो आर से बड़ा होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। इसमें से आपका जो है 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा नंबर दिया है कि 7√5 कैसी संख्या है, तो यह जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको जो है सब्जेक्टिव में आपको पूरी डिटेल के साथ आपको बताया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड भाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अद्वितीय होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पांचवा नंबर दिया है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है तो बहुपद px के शून्यांकों का संख्या क्या है, तो जरा ध्यान दीजिए इस निर्देशांक को आप अच्छे से समझें। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यह जो है x अक्ष जो है, अब x अक्ष में ये देखना है कि यह जो रेखा है या जो लाइनिंग की गई है इसमें कितने बार जो है प्रतिच्छेद किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ हुआ, दो बार यहाँ, तीसरा या तीन बार, तो यहाँ पे px का जो मान कितना होगा वो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए चौथा नंबर जो कि काफ़ी वीवीआई है और मैंने बताया था कि इसी से रिलेटेड आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए प्रश्न ये है कि बहुपद x²-15 के शून्यक है, तो सबसे पहले आपको शून्यक ज्ञात करना है। x²-15 दिया गया है, मैंने आपको बताया था कि यदि इस तरीके से दिया जाए तो सबसे पहले क्या करना है, x² ही लिखेंगे और 15 हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, या हम यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि a²-b² का फॉर्मूला आ गया है। तो a²-b² का फॉर्मूला क्या होता है, a-b × a+b, यही ना होता है। तो अब क्या करना है, इसी फॉर्मूले पर इसको व्यक्त कर देना है। तो लिखेंगे x² - जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे x² नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको कर लिखना क्या है, x लिखेंगे, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा √15, ठीक है। एक पहला हो गया, अब दूसरा रूप लिखेंगे a+b में, तो यहाँ पे x प्लस लिखेंगे √15, तो दूसरा हो गया। अब x का मान निकालें, इसमें अगर करते हैं तो ये कितना आता है, +√15, और इसका निकालेंगे -√15 आएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यह जो है किस ऑप्शन में दिया है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, पूरा A to Z आपको सॉल्यूशन समझा कर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाएंगे। और इस मॉडल पेपर को आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सातवां नंबर दिया गया कि द्विघात बहुपद x²+7x+2 के शून्यांकों का गुणनफल क्या है। देखिए शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यही ना फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले का आप लोग याद रखना। अब जरा ध्यान दीजिए कि द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए x²+7x+2 में जो है a का मान क्या है, a का मान जो है वो 1 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे b का मान कितना है, 7 दिया है।
और सी का मान कितना है, दो दिया है। तो अब सी बट्टा दो के फॉर्मूले में यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो बट्टा एक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको दो सिर्फ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इसका गुणनफल क्या आया, दो आया, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां नंबर दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बाय a2 बराबर नॉट b1 बाय b2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि यदि a1 बाय a2 बराबर नॉट b1 बाय b2 रहे तो यह कौन सा होगा, यह जो है यह संगत होगा, यह क्या होगा, संगत होगा, और यह क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को डिस्कस करके बताया हुआ था। अगर बच्चों जरा ध्यान दीजिए, अगर इसके अलावा जो है आपको इस प्रकार से दिया जाए कि a1 बाय a2, ठीक है, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 रहे, तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए, यह जो है एक दूसरे के साथ जो है एकदम समांतर है, ठीक है। तो यह जो होगा यह संगत होगा, क्या होगा, यह एक संगत होगा, ठीक है, और यह क्या होगा, अपरिमित रूप से इसका जो है अनेक हल होगा, और यह जो है संपाती होगा, ठीक है, याद रखेंगे, यह क्या होगा, संपाती रेखाएं इसका दर्शाएगी, ठीक है, ग्राफी में। अगला इसकी का जो है अथवा दिया जाएगा कि अगर a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 रहे और बराबर नॉट c1 बाय c2 रहे तो अब आपको करना क्या है, यह जो है असंगत होगा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, यह क्या होगा, असंगत होगा, और यह जो है इसका कोई हल नहीं होगा, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, और इसका जो ग्राफ होगा वह समांतर होगा, ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, इसका देखिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये अद्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर दिया गया है जो कि निर्देशांक ज्यामिति यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण से ही दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई बराबर दिया है 14 और x माइनस वाई बराबर दिया है 4। अब यहाँ पे ये कहता है कि इसका हल क्या होगा, तो सबसे पहले कोई भी विधि से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए वाई और वाई प्लस माइनस तो कट जाएगा, तो बचा कितना, 2x बराबर हो गया 18। अब लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 18 बट्टा 2, यानी कितना हो गया, x का मान हो गया 9, कितना आया, 9 आया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में जो है x बराबर 9 रखने पर या x का मान रखने पर, तो लिखेंगे x का मान कितना, 9 प्लस लिखेंगे y बराबर हो जाएगा 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 14 माइनस करेंगे 9 कितना आ गया, 5। तो देखिए x का मान पहले निकला 9 और y का मान कितना निकला, 5, तो x का मान 9 और 5 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यहां पे देखिए दोस्तों 10वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसके बारे में अभी जस्ट मैंने आपको यहां पे जो है 8वां नंबर क्वेश्चन में अच्छे से आपको समझाया है। तो आप यहां पे देखिए, 10वां नंबर दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं होगी, तो आलेख की क्या होगी, समांतर होगी, तब कब होता है, किस विधि में होता है, मैंने आपको अभी बताया कि a1 by a2 बराबर b1 by b2 रहे और बराबर not c1 by c2 रहे तो यह असंगत होगा और इसका जो ग्राफी बनेगा, इसकी जो रेखाएं होंगे वो समांतर होगी, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो देखिए द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तब इस समीकरण में आपको देखना है कि यह जो समीकरण है क्या इस समीकरण में ये सभी आते हैं। अब देखिए पहला, मैंने आपको पहले बताया था अगर x² रहे, इधर भी बराबर किस पार, लेफ्ट साइड में x² रहे और राइट साइड में भी x² रहे तो ये क्या होता है, कट जाता है, तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अगर x² प्लस 1 यहां पे रहता है और यहां पे कोई भी संख्या ऐसे करके रहेगा तो यह क्या है, द्विघात समीकरण का रूप होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करके आपको यहां पे पूरी अच्छे से बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। देखिए सबसे पहला देखें तो यहां पे देखिए इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितना होता है, x² हो जाता है, माइनस हो जाएगा 3x बराबर होता है x² माइनस 7। अब देखिए x² x² कट जाता है, माइनस 3x और माइनस 7 बचता है, तो अब देखिए यह क्या द्विघात समीकरण है, यह नहीं है, ठीक है, यह पहला हो गया।
दूसरा में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो समीकरण दिया है a प्लस वन का होल स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 2x प्लस 1 होगा, बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x होगा। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या अभी देखिए यहाँ पे जो है द्विघात समीकरण के रूप में है, नहीं है, तो ये भी समीकरण नहीं होगा। अब देखिए तीसरा वाला जो दिया गया है, ठीक है, तीसरा वाला जो आप यहाँ पे देखें, तो देखिए इस तीसरा वाला को हम बनाते हैं, तीसरा वाला हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए दिया है कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2x होगा, प्लस 1 होगा, बराबर लिखेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम लिखे, प्लस 2x लिखे, अब माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा क्योंकि इधर इस पार आएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 पहले से था और ये प्लस इधर आ जाएगा कितना, देखिए ये जो था ये, इसको हम इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा तो प्लस 6 बराबर कितना, 0। अब लिखेंगे देखिए एक्स स्क्वायर हुआ और ये कट जाएगा, 2x माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, और लिखेंगे प्लस कितना हो गया, 7 बराबर 0। अब ये क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यह द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, 12 नंबर दिया गया है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान भिन्न हो तो। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था यदि इसका विभिक्तर जो है d बराबर 0 हो, यानी कि इसका जो फॉर्मूला यानी कि d बराबर 0 होता है, तो यह वास्तविक और समान होगा, यह वास्तविक और समान होगा। अगर बच्चों d जो है 0 से छोटा रहे, d जो है वो 0 से क्या है, वो छोटा रहे, तो इसका क्या होगा, मूल संभव नहीं होगा, या मूल वास्तविक संभव नहीं होगा, यह क्या होगा, मूल संभव नहीं होगा। और बच्चों अगर d जो है 0 से बड़ा रहे, d जो है वो 0 से बड़ा रहे, तो इसका क्या होगा, मूल जो है वास्तविक और असमान और भिन्न होगा, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है c जो है इसका सही आंसर होगा, d जो है वो 0 से छोटा बड़ा है, ठीक है। चलिए इस ऑप्शन को आप लोग अच्छे से याद रखें, इसको अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 13 नंबर दिया गया है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभिक्तर d होगा, तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर दिया गया है कि यदि विभिक्तर d जो है 0 से छोटा है, d जो है 0 से छोटा हो, तो इनमें से मूल क्या होगा, तो मूल मैंने अभी बताया कि इसका मूल नहीं होगा, ठीक है, इसका मूल नहीं होगा, तो इसलिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है क्लियर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखिए, यहाँ पे एपी से जो है क्वेश्चन दिया गया, समांतर श्रेणी से ये जो है सवाल पूछा गया है, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से जो है हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एपी का फॉर्मूला आप समझें, तो एपी में क्या होता है कि सार्वअंतर जो है वो समान होता है, यानी सार्वअंतर क्या, डी जो है वो समान होनी चाहिए, डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1, ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अनुसार आप देखना है, तो देखिए ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थी पद, तो अब यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, 2 है, और a2 का मान 4 है, इसको अगर हम घटाते हैं तो यहाँ आता है 2, अब यहाँ पे 8 में 4 को घटाते हैं तो यहाँ आता है 4, और 8 में 16 घटाते 16 में 8 घटाते कितना होता है 8, तो अब देखिए समांतर श्रेणी में नहीं आता, इसलिए ये एपी नहीं है। अब दूसरा वाला देखते हैं, तो देखिए दूसरा वाला में क्या है कि a2 का मान जो है -1 है, और यहाँ पे क्या है a1 का मान -1 हो जाएगा, तो कितना होगा -2, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसका भी निकालते हैं, तो -3 इधर आ गया, तो --+1 तो बराबर हो जाएगा -2, अब फिर निकालते हैं -5+3 होगा बराबर -2। अब देखिए यह जो है समांतर श्रेणी जो है इसका समान है, ठीक है, यानी कि इसका सार्वअंतर जो है d जो है पूरी तरह से समान है, इसलिए यह क्या है एक समांतर श्रेणी है, यानी कि AP है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर b जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर दिया गया है कि यदि एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर डी क्या है, तो देखिए प्रथम पद ए बराबर हम निकालते हैं, तो प्रथम पद पर सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है 3/2, हम 3/2 लिख दिए, अब कहता है सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो एपी का ये दिया हुआ है ना, तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है a2 - a1, तो अब a2 का मान है 1/2 और a1 का मान है 3/2, तो लिख देंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2/-2/2 होता है, इसको हम कटाएंगे तो -1, अब देखिए प्रथम पद 3/2 यहाँ आ गया, और उसके बाद जो है -1 जो है सार्वंतर निकला, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो कि काफ़ी VBI प्रश्न दिया गया है, जो कि आपको अच्छे से समझना है, देखिए 17 नंबर सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया गया है कि 10 से लेकर 250 के बीच
चार के गुणज कितने गुणज होंगे, चार के कितने गुणज होंगे। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, 10 से लेकर 250 के बीच में जो है चार के कितने गुणज है उसको लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे चार के गुणज, क्या लिखेंगे चार के गुणज। अब देखिए चार के गुणज तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और डॉट डॉट जाके कितना हो जाएगा, 250 तो होगा नहीं, 248 तक जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये जो है इतना हम समीकरण लिखे। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, प्रथम पद जो है यानी कि ए जो है वो 12 दिया है और डी अगर निकालते हैं तो चार चार इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, चार होगा ना, बस 16 में 12 घटाएंगे चार चार आता है, तो ये हो गया सर्वांतर डी यानी कि जो है चार आ गया। अब यहाँ पे देखिए ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें करना क्या बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, ए एन का मान यानी अंतिम पद जो है वो 248 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 248 बराबर हो जाएगा 12 प्लस एन माइनस वन हो जाएगा और फार्वंतर कितना था डी, तो गुना में डी लिखेंगे यानी चार लिखेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे 248 माइनस करेंगे 12 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू लिखेंगे चार। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 236 बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू हो जाएगा चार। अब जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, n माइनस वन लिखते हैं, n माइनस वन आपको यहाँ पे इस पार लिखते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे n माइनस वन बराबर हो जाएगा 336 यानी 236 बट्टा चार, इसको हम कटाते हैं कितना बार में, 59 बार में, तो अब इसलिए लिखेंगे, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 59 और ये माइनस इधर आके प्लस, तो एक हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया टोटल 60, यानी n जो है कितना है 60 है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल दिया गया है कि आकृति में यदि डी ई समांतर बी सी हो तथा ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी डी बराबर जो है 1.5 सेंटीमीटर और ई सी बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप समीकरण को समझेंगे, और मैंने इसको जो है प्रमेय में आपको बताया था कि यदि इस तरीके से दिया जाए यानी कि डी ई समांतर बी सी जो है त्रिभुज ए बी सी में दिया जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको आप अंकित कर लीजिए। तो सबसे पहले AD का मान दिया है 3 लिख देंगे, इसका मान 1.5 सेंटीमीटर, इसका मान 1 सेंटीमीटर, इसको आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज ABC में अगर DE समांतर BC दिया रहे तो आपको करना क्या है कि AD बटा जो है BD आपको लिख देना है और इक्वल में लिख देना है कि AE बटा क्या हो जाएगा ईसी हो जाएगा, क्या होगा ईसी होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, सब का मान तो दिया है, उस सब का मान को आपको बैठा देना है, तो एडी का मान दिया है 3 और इसका मान दिया है 1.5, इसको बराबर लिखेंगे, एई का मान तो ज्ञात करने के लिए कह रहा था इसलिए हम एई लिखेंगे, उसके बाद बटा लिख देंगे यहाँ पे कितना 1 दिया था, इसको हम कटाएंगे तो कितना बार में 2 बार में, तो लिखेंगे 2 बराबर हो जाएगा ए ई बटा हो जाएगा 1। तो अब इसलिए निकालेंगे बच्चों कि ए ई का मान जो कितना निकला, ए ई का मान हो गया 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ए ई का मान 2 सेंटीमीटर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल दिया गया है, इसको समझेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जो है डी बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पिक्चर को हम लोग समझेंगे। देखिए पिक्चर इस प्रकार है, यह जो है ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया, और यहाँ सवाल क्या था कि बी सी का मध्य जो है डी है, तो बी सी का मध्य हम डी ले लिए और एक रचना करके हम यहाँ पे जो एक त्रिभुज बी डी ई का रचना हम यहाँ पे किए। अब इसका हम फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला अगर हम ज्ञात करते हैं तो ए बी का स्क्वायर बटा होता है डी ई का स्क्वायर। अब ए बी का जो है यहाँ पे एक दो भागों में है तो इसको हम लिखेंगे 2 हो जाएगा और नीचे एक इसका वर्ग कर देते हैं तो कितना हो गया 4/1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/1, तो इसका आंसर देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल 20 नंबर दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो देखिए इस फॉर्मूले का आप लोग समझेंगे, यह पाइथागोरस फॉर्मूला है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला है। तो सबसे पहले जरा ध्यान दिए तो काफ़ी आसान है, ये जो है समकोण जो है वो कोण बी हो जाएगा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए ये जो है मैंने समकोण त्रिभुज की रचना की है और इसमें ये बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो है वो ए सी है, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है ए सी भुजा हम ले लिए, अब उसके बाद बचा कितना बी। अब जरा ध्यान दीजिए कर्ण जो है किसके सामने होता है, तो समकोण के सामने होता है, तो ये वाला जो कोण हो गया ये 90 डिग्री को दर्शाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया 21 नंबर कि बिंदु
पी एक्स सॉरी पी एक्स वाई, ठीक है जरा समझेंगे, ये बिंदु पी एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगा। अब देखिए दूरी फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है बच्चों, और आपको मैंने अच्छे से बोला था कि इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि दूरी फॉर्मूला होता है जरा पी एक्स और मूल बिंदु के निर्देशांक में दे रहा है, तो मूल बिंदु के अपेक्ष में जो है पी एक्स का जो है दूरी जो होता है वह क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दी है और पहले मैंने आपको बताया था इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक, इस फॉर्मूले का आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल 22 नंबर दिया है, यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो M1 अनुपात M2 के अनुपात होगा, यानी कि विभाजन बिंदु दो को दिया है M1 और M2 दिया है, तो इसका भी ये कटेगा क्या, एक अनुपात एक आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक अनुपात एक में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कैसे आया, तो यह जो है कोई एक रेखा है जिसको हम AB हम यहाँ पे निमांकित कर देते हैं, बता देते हैं कि ये AB रेखा है, और कोई एक बिंदु हम यहाँ पे P से जिसको काट रहे हैं, तो यह M है और ये भी M है। ठीक है, ये M2 हो गया, ये M1 हो गया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 हो गया, तो दोनों का अनुपात क्या होगा, सेम ना होगा, एक ही ना आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, और बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उन सभी को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले उन सभी को रिविजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% आप इसको तैयार कर लीजिए, श्योर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिकोणमिति से सवाल दिया गया है, प्रश्न संख्या 23 को देखें, तो दिया गया है 1 - tan² 45° बराबर होगा, यानी कि 1 - tan² 45° बटा 1 + tan² 45°। अब इसको हम करेंगे, सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, 1 लिखेंगे, 45 का टेन स्क्वायर 45° का मान कितना होता है, तो इसका होता है 1। ठीक है, ये ना होता है 45° का मान कितना, 1 होता है, तो हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1 प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए 1 - 1 बटा लिखेंगे 1 + 1। अब इसको जरा ध्यान दीजिए 0 - 2, तो अब इसका मान कितना है 0। तो अब देखिए 0 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल 24 नंबर दिया गया है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72° का मान होगा। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि कॉस जो है कॉस 90° माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है और इसी फॉर्मूले पर आपको बनाना, तो दोनों में से किसी एक को आप बदल दीजिएगा, जैसे मैं ऊपर वाले को साइन 18° को बदल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90° माइनस हो जाएगा 18, अगर 90 में 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 72, तो 72° बटा लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 72°। अब देखिए इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट कॉस 72° इंटू हो जाएगा बटा हो जाएगा कॉस 72°। अब देखिए 72° कट जाएगा तो कितना आया 1, तो अब देखिए 1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 25 नंबर दिया गया है कि टैन ए बराबर 4/3 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि टैन जो है टैन यानी कि टैन थीटा जो है टैन ए जो है वो 4/3 है। अब जरा बताइएगा टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/3, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के अनुसार आपको शॉर्ट में बनाना है, तो सबसे पहले टैन का फॉर्मूला यहाँ पे P/ क्या होता है P/B होता है, तो P/B फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको H का मान ज्ञात करना है, तो H का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होता है P² + B², ठीक है का अंडर रूट, तो अब लिखेंगे 4² + 3² का अंडर रूट हो जाएगा, तो 4 चौके कितना 16 + 9 का अंडर रूट। अब इसको निकालेंगे 25 का वर्ग निकालेंगे, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए एच का मान जो है 5 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए लिखेंगे अब साइन ए। अब साइन ए का फॉर्मूला बताइएगा P/H होता है, ठीक है P/H होता है, तो पी का मान कितना है, पी का मान है यहाँ पे 4 और एच का मान कितना 5, तो अब देखिए 4/5 यही आंसर हो गया, तो 4/5 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया गया 26 नंबर, यहाँ पे देखें दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60° हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आकृति को यहाँ पे समझना है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कहता कि पाद बिंदु, तो पाद बिंदु ये वाला हो गया और इसका यहाँ पे जो दूरी है यहाँ पे इसका जो है 30 मीटर दिया गया है। ठीक है, अब ये कहता इसका जो कोण है, ये जो कोण दिया गया उन्नयन कोण 60° और अवनमन कोण कहेगा तो ऊपर में आपको लेना है। ठीक है, ये उन्नयन कोण कह है, तो यहां पे लिखेंगे 60°। अब यहां पे कहता है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं
लंब कहते हैं। तो ये हो गया पी और ये हो गया बी। अब ये बताइए पी बट्टा बी जो है किस फॉर्मूले में आता है, तो टैन में आता है। तो अब देखिए टैन जो है यहाँ पे लिखेंगे और कोण कितना है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, बराबर लिखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा पी का मान तो पी दिया हुआ है क्योंकि यही ज्ञात करना है, तो पी लिख देंगे और ये हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। अब देखिए टैन जो है 60 का मान कितना होता है, रूट 3 होता है, बराबर लिखेंगे पी बट्टा हो गया 30। अब लिखेंगे इसीलिए बच्चों पी का मान क्या हो जाएगा 30 रूट हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखिए 30 रूट 3 मीटर यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 27 नंबर दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो कौन जो है क्यू पी आर मान होगा, यानी कि कौन पी का मान जो है क्या होगा। अब यहाँ पे आपको समझना है और इसको आप लोगों को अच्छे से बनाना है, अच्छे से समझना है। सबसे पहले आप जो है इसको समकोण त्रिभुज में एक रचना कर लीजिए। समकोण त्रिभुज हम रचना कर लेते हैं जिसमें कि कोण क्यू जो है वो समकोण है। अब इसको हम ऊपर वाले को पी मान लेते हैं और यहाँ वाला जो है इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज पी क्यू आर बन चुका है। अब जरा ध्यान दीजिए पी क्यू का मान जो है वो 3 सेंटीमीटर है और पी आर का मान जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे समझना है ये 90 डिग्री का कोण है। अब ये हो गया H और ये हो गया P। अब ये बताइए H बटा P या P बटा H किस में आता है, अब ये बताइए P बटा H, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, हमको कहता है कोण जो है P ज्ञात करने के लिए, तो अब यहाँ पे देखिए कोण P इसको लेंगे तो ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण के सामने वाली भुजा का हम लोग यहाँ पे पी कहेंगे, यानी कि ये लंब हो जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, ठीक है, ये आधार बन जाएगा। तो अब यहाँ पे करना क्या बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, समझेंगे आप लोग कि अब यहाँ पे कि यहाँ पे न्यून कोण के सामने वाले पी बट्टा बी जो है वो पी बट्टा बी किस फॉर्मूले में आता है, या बी बट्टा एच जो है वो किस फॉर्मूले में आता है। देखिए बी बट्टा एच, ये बी और ये एच, बी बट्टा एच जो फॉर्मूला आता है वो होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे त्रिभुज ए बी सी में, या फिर त्रिभुज पी क्यू आर था तो पी क्यू आर में, पी क्यू आर में लेंगे। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कॉस हो जाएगा कितना, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा इसका मान दिया गया है, इसका जो है पी बट्टा एच, सॉरी यहाँ पे बी बट्टा एच लेंगे, तो बी बट्टा एच इसको लिखेंगे। अब लिखेंगे कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी, इसका मान कितना है, इसका जो मान है वो 3 है बी का मान, और एच का मान कितना है 6, इसको कटाएंगे 1/2। अब देखिए कॉस थीटा इधर हो गया और इधर 1/2 हम लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। अब देखिए कॉस और कॉस का मान हो गया, तो थीटा का मान यानी कोण का मान कितना हुआ 60 डिग्री हुआ, तो कोण पी का जो मान है, कोण पी का मान कितना निकला 60 डिग्री था। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा, चलिए ठीक है। अगला सवाल 28 नंबर देखिए दिया गया है कि एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इसका कोई जो है गिनती नहीं है, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है किसी भी वृत्त पर। अगर यहाँ पे समझे दोस्तों, इसको हम वृत्त ले लिए, अब इस पर स्पर्श रेखा कितना है, तो हम यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, तो किसी भी तरह हम स्पर्श रेखा ले सकते हैं, यानी कि इसका जो है अनेक स्पर्श रेखाएं होगी, अनंत स्पर्श रेखाएं होगी, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर सवाल दिया गया कि एक बिंदु Q से कोई एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, क्योंकि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक वृत्त ले लेते हैं, या वृत्त ले लिए। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि केंद्र से, ठीक है, इस केंद्र से जो है वो Q की दूरी जो है वो कितना है, वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और Q से लेकर कोई स्पर्श रेखा जो है, इसको हम कोई स्पर्श रेखा ले लेते हैं जिसको हम यहाँ पे मान लेते हैं, स्पर्श रेखा की दूरी जो है 24 सेंटीमीटर है। अब इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा लिया जाता है तो वहाँ का कोण जो है वो 90 डिग्री को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा था वृत्त की त्रिज्या, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, यानी कि एच कहते हैं, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, या और जो बाकी रह गया छोटा उसको आधार कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम निकालना ना त्रिज्या, तो त्रिज्या अगर निकालते हैं तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि अब इसका ये स्पर्श रेखा जो है इसकी, तो स्पर्श रेखा यानी कि ये वाला जो है वृत्त से लेकर केंद्र से लेकर बाह्य बिंदु तक की जो दूरी है उसका वर्ग करेंगे, 25 का हम स्क्वायर करते हैं,
उसके बाद 24 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 625, और इसका करेंगे 576। अब इसको हम घटाते हैं कितना आता है 49 का स्क्वायर अंडर रूट हो करेंगे, इसका वर्गमूल निकालें तो 7 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिज्या का मान कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर दिया है, यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर जो है 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो जो है कोण पी ओ ए बराबर होगा। अब यहाँ पे समझना है, अब जरा ध्यान दीजिए, कोई वृत्त मैंने ले लिया है, ठीक है, कोई इस एक वृत्त मैंने लिया जिसमें कि दो है जो है बाह्य स्पर्श बिंदु, बाह्य यहाँ पे स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहाँ पे पी ए और पी बी जो है कोई स्पर्श ले लेते हैं, पी से लिया गया और यहाँ पे हम ओ ले लेते हैं, और जो कि यहाँ पे इस तरह से जो है दर्शाया गया है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि पी पर जो है ये 80 डिग्री का कोण दर्शा रहा है, तो ये समद्विभाजित हो रहा है, तो इसका आधा कितना हो गया 40 और इधर का आधा 40। अब कहता है पी ओ ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला जो है इसका मान ये ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो सबसे पहले करेंगे क्या बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिए, पहले लिखेंगे ये 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण दर्शाएगा ना, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का कोण जो है 90 डिग्री का दर्शाता है, समकोण दर्शाता है। अब जरा ध्यान, इधर क्या हो समद्विभाजित हो गया, 80 का आधा कितना हो जाएगा तो 40 होगा, तो यहाँ पे 40। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 130। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अगर 180 डिग्री में 130 को घटा देते हैं तो कितना हो गया 50 डिग्री। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा 50 डिग्री, ठीक है। तो कोण POA का मान कितना निकल गया 50 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, यही नहीं होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान दिया है 60, तो 60 बटा लिखेंगे 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद गुना लिखेंगे पाई का मान 22/7 और गुना आर का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 गुना 6। अब देखिए इसको हम कटा सकते हैं, ठीक है, क्या कटाएंगे बच्चों, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 6 छा के 36 कटा दिए। अब जरा ध्यान दीजिए यह भी कटेगा, तो 6 छा के 36 कट चुका है, तो अब देखिए अब ये कट जब गया, अब इसको हम कर सकते हैं 6 गुना 22 करते हैं कितना होता है 132 बटा हो जाएगा 7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। इसको आप लोग जो है अच्छे से जो है फॉर्मूले सबको आप लोग अच्छे से याद कर रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 32 नंबर सवाल दिया गया है कि त्रिज्या आर, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बड़ी आर दिया गया है, तो त्रिज्या बड़ी आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें कोण जो है पी डिग्री निम्नलिखित है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के अनुसार इसमें अगर करें तो यहाँ पे जो है थीटा का मान पी डिग्री है, तो पी डिग्री लिखेंगे बटा लिखेंगे 360 डिग्री और पाई हो जाएगा और आर का मान जो है बड़ी आर स्क्वायर लिखेंगे। अब आपको करना क्या है बच्चों, समझ लीजिएगा, अगर हम 1/2 यानी कि 2 गुना 2 करते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कटने के बाद एक ही आ जाएगा। इसके साथ में क्या करेंगे, पी डिग्री बटा 360 डिग्री लिखेंगे, गुना करेंगे पाई का, तो पाई दिया हुआ है, आर का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों समझेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पी डिग्री बटा 360 या 360 गुना 720 हो जाएगा, 720 गुना पाई का मान हो जाएगा 2πr², तो अब यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आप बच्चों इससे थोड़ा सा अलग लिखते हैं, सिर्फ आप ये वाला दे देते हैं, तो इसका आंसर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप इस तरीके से आपको जो है करके यहाँ पे बनाना होगा और बताना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल दिया गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, यानी कि बड़ी आर का मान जो है वो 8 सेंटीमीटर है और छोटी आर का जो मान है वो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों वृत्तों को जो है जोड़कर, ठीक है, समझेंगे कि दोनों वृत्तों को पिघलाकर एक नया वृत्त जो है बनाया गया है। अब कहता है कि जो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल होगा दोनों वृत्तों के योग का क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों वृत्तों का योग का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, क्षेत्रफलों का योग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका अगर हम फॉर्मूले के अनुसार लिखें तो पाई हो जाएगा, और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, बड़ी आर स्क्वायर है और ये क्या है, आर स्क्वायर है, तो ये कॉमन आ गया। तो अब 22 बट्टा 7 लिखेंगे, या 22 बट्टा 7 अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या तो नहीं तो पाई लिख रहने दीजिए। अब यहाँ पे करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। इसको हम 64 हो गया, और ये 6 7 36, 64 और 36 कितना हो गया, 100, तो 100 पाई हो गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान कहता है त्रिज्या निकालने के लिए, अब त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, यानी त्रिज्या का फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसे कहेंगे अंडर रूट यानी कि पाई। अब यहाँ पे देखिए पाई तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बट्टा अंडर रूट क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, 100 पाई। तो इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 100 का वर्गमूल निकालेंगे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से जो है बना लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों कि आप में से कितने सारे बच्चे जो है इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप हल कर रहे हैं, अच्छे से उनको तैयार कर रहे हैं। आगे देखिए 34 नंबर सवाल दिया गया है, जो कि काफ़ी पेचीदा है और आप सभी के लिए काफ़ी आसान है, लेकिन पेचीदा सवाल दिया गया है। यहाँ पर सवाल ये है कि सबसे बड़े बाँस की लंबाई बताइए, जो कि एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 ऊँचे कमरे, यानी कि 8 मीटर जो है ऊंची कमरे में रखी जा सकती है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे कहता है बांस की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले आपको आसान तरीका मैं बता दूं कि आपकी जो लंबाई और चौड़ाई है आप उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 यहाँ पे देखिए ये जो है दिया गया है 12 और प्लस 9 को हम जोड़ते हैं कितना होता है 21 मीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 21 मीटर, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर दिया गया है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से जो है सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। देखिए अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर की ओर चलें, तो देखिए 35 नंबर दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंब वृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है, ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बच्चों इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो देखिए लंबवृत्ति बेलन का आयतन होता है, या बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो पाई का मान 22/7 है, 22/7 लिखेंगे क्योंकि इसमें नहीं दिया है, तो 22/7 ही लेना है। उसके बाद आपका आर का मान कितना है, वो 7 है, तो 7 × 7 होगा क्योंकि 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो एच का मान कितना है, तो 5 लिख देंगे। अब देखिए ये 7 और ये 7 कट गया, अब इसको हम गुना करेंगे 7 × 35 × 22 करेंगे तो 35 × 70 यानी कि 77 हो जाएगा, 707 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है बी में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है। यहाँ पे दिया है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातुओं के 3 ठोस गोला को पिघला कर जो है एक बड़ा ठोस जो है गोला बनाया जाता है, इस बड़ा गोला की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, इन तीनों ठोस गोलों को जो है मिलाकर ना बनाया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गोले का आयतन ज्ञात करेंगे। तो गोले का आयतन देखिए, बड़े गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, तो अब जरा ध्यान दीजिए गोला का आयतन लिखेंगे, गोला का आयतन। अब गोला का आयतन में क्या करेंगे, तीनों गोलों को मिला देना है, तो तीनों गोलों का अगर हम मिला दें तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या, गोले का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला बताइएगा, 4/3 × πr³ होता है, ठीक है, 4/3 × πr³ होता है, ठीक है। तो अब इसमें तीनों को मिला देना है, तो अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो 4/3 πr, इसको ये 1 हो गया, ठीक है, 4/3 πr²³ हो गया, प्लस 4/3 πr, यहाँ पे 3 क्यू हो जाएगा। इस तरीके से इसमें कॉमन करेंगे, 4/3 πr हो जाएगा, और यहाँ पे r1 क्यू हो जाएगा, प्लस r2 का q हो जाएगा, प्लस r3 का जो है q हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे त्रिज्या दिया है तो तीनों त्रिज्या हम ले लेंगे। उसके बाद हम गुना करेंगे, 3/4 गुना हो जाएगा पाई, तो पाई का कितना, 22/7 हो गया। अब इसको हम निकाल सकते हैं इसका q, अब इसका q अगर हम निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्यूब दिया गया है, इसका जो क्यूब दिया है कितना, सबसे पहले 6 का q निकालेंगे, प्लस लिखेंगे 8 का q हो जाएगा, प्लस 10 का q हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे समझना है, अब यह जो दिया गया है ना, अब इसको रहने दीजिए, ठीक है, अब इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, रहने दीजिए। अब यह जो है गोले का आयतन हो गया, तीनों गोला का आयतन हो गया। अब कहता है बड़ा गोला का आयतन, अब बड़ा गोला का आयतन ज्ञात करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 πr
आर क्यू। अब ये आर जो है, अब इसका मान देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसके बराबर में है ना। अब इसको क्या करेंगे, अब इसमें देखना है कि 4/3 पाई और 4/3 पाई जो है मिल रहा है, तो आप इसको यहाँ पे पाई रहने दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पाई ही रखने दीजिएगा, इसको और इसको हम कटा सकते हैं, तो बचा कितना आर क्यू, ठीक है, बड़ी आर क्यू। अब इसको हम इसके कॉमन करेंगे, तो अगर हम आर और ये क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब इसको हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इसका जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 14 और यह 10 कितना हो गया, 24। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। तो बड़ी आर का मान, बड़ी गोला का मान कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 37 नंबर दिया गया कि यदि माध्य जो है वो 60 है और माध्यिका जो है 50 है तो बहुलक होगा। बच्चों मैंने आपको बताया था इस बहुलक माध्यक और माध्य के बीच में जो है संबंध होता है। संबंध क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, होता है तीन माध्यक बराबर होता है बहुलक, बहुलक प्लस होता है दो माध्य। क्या होता है, दो माध्य होता है। अब हमको कहता है बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे बहुलक। तो बहुलक करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, तीन माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीन माध्यक माइनस हो जाएगा दो माध्य हो जाएगा। तो दो माध्य हो जाएगा, इसको हम करेंगे। अब तीन गुना कितना है, तीन माध्यक, माध्यिका का मान है कितना है, माध्यिका का मान है 50, तो लिखेंगे यहाँ 50। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, दो गुना हो जाएगा कितना, 60। अब इसको करेंगे कितना, देखिए 150 हो गया माइनस 120, अब इसको घटा दीजिए तो कितना आया, 30। तो अब देखिए ये 30 जो है ये बहुलक आ गया, तो 30 आपसा ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है, 30 नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल की ओर। तो देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल दिया गया है कि किस प्रकार का त्वरण है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर वाई अक्ष से लेकर, वाई निर्देशांक से लेकर एक्स निर्देशांक की ओर जा रहा है तो यह क्या होगा, उच्च होगा, यानी कि यह जो है अधिक प्रकार का जो है यह त्वरण है। अगर बच्चों इधर की ओर जो है संकेत करेगा तब यह क्या होगा, यह निम्न होगा, यानी कि यह निम्न होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यह कम प्रकार का जो है त्वरण है। तो इसलिए दोस्तों आप जरा ध्यान दीजिए, यह जो है यह एक्स की ओर जो है प्रतिपादित कर रहा है, एक्स की ओर जो है प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी से अधिक प्रकार का त्वरण है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 39 नंबर दिया गया है जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टा चैप्टर से जो है सवाल दी गई है, जिसमें सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक है, तो आपका क्या होगा, वह जो है उसकी प्रायिकता नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है -1.5 या नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से जो है नोट कर लीजिए। अगला सवाल इसी का जो है 40वां नंबर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं दिया गया है कि दो खिलाड़ी जो है संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं, यानी कि दोनों जो है एक मैच खेल रहा है। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है। अब जरा ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले पर, आप लोगों को मैंने अच्छे से आपको समझाया था और बताया था कि अगर मान ले चलो दोनों की जो है खेल जो है वो एक ही है, तो दोनों के खेल जो है एक ही है, अगर इसका प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले ऑप्शन में क्वेश्चन में सॉरी इसका जो है मैंने फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पे पी ई बराबर होता है ई माइनस ई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस एक माइनस कितना हो जाएगा, कौन सी संख्या खेल रही है, तो 0.62 के बाद में जो जीत रहा है, अब यहाँ पे रेशमा का निकाल रहा है, तो रेशमा दोनों के साथ ना खेल रहा है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्रायिकता एक मैच में क्या है 0.62 जो है घटा देंगे, तो अब इसमें क्या निकलेगा 0.38, यानी 38 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है मैंने क्लास 10th मैथ के जो है ऑब्जेक्टिव के 40 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। इस 40 क्वेश्चन को मैंने इसका जो सोल्यूशन बताया है, इसके सोल्यूशन को आप लोगों को जो है अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों के लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने बच्चों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और बच्चों मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कई सारे क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% जो पूछे जाएंगे, इसमें से आप कितना श्योर है कि आप जो है बोर्ड की परीक्षा में जो है बना लोगे, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा और प्यारा सो कमेंट जो है आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।